देख रहे हैं स्वामी? एक सच्ची पतिव्रता नारी का प्रत्यक्ष रूप देख रहा हूँ। सोच रहा हूँ यदि तुम मेरी पत्नी न होती तो मेरी क्या दशा होती। ये शरीर अब तक सड़ गया होता। लोगों के तिरस्कार ने मेरी आत्मा पर न जाने कितने घाव लगाए होते। हो सकता है अपने प्रति ग्लानि से मैंने आत्महत्या कर ली होती। ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा सोचिए भी मत। मेरे होते हुए कोई आपका तिरस्कार नहीं कर सकता। मैं आपकी पत्नी हूँ, दासी हूँ आपकी। अगर मेरे वश में होता तो आपका रोग मैं ले लेती। सुना है हिमालय की तराई में गंधक के चश्मे हैं जिनमें नहाने से ये रोग चला जाता है। परंतु क्या आप वहां जाना चाहते हैं स्वामी? मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझ में चलने की शक्ति नहीं है मुझ में। मैं आपकी शक्ति हूँ स्वामी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको ले जाऊंगी हिमालय की तराई में। और हम लोग आते समय तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए आएंगे। क्यों नहीं, मैं अभी चलने की तैयारी करती हूँ। कौशिकी अपने पति के साथ हिमालय की तराई की ओर जा रही थी। मार्ग में उसे वो नगरी मिलती है जिसके राजा ने मांडव्य नामक ऋषि को वस्त्र और आभूषण चुराने के झूठे अपराध में सूली पर लटका दिया था। और ये वो मार्ग है जहां अभी तक सूली पर चढ़ाए गए मांडव ऋषि अपने योग बल से सूली पर ही ध्यान लगाए समाधिस्थ थे। किस पापी ने मेरे शूल को हिलाया है? कौन अधर्मी है जिसने मेरी भोग समाधि को भंग किया है? कौन है जिसने मुझे इतनी पीड़ा पहुंचाई है? अंधेरे के कारण हमें आपका शूल दिखाई नहीं दिया। भूल से आपका स्पर्श हो गया। तुम्हारी भूल से मुझे जो पीड़ा हुई है उसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। मैं मांडव्य ऋषि तुम्हें शाप देता हूँ कि सूर्य उदय होते ही तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। एक छोटी सी भूल के लिए इतना कठोर दंड, मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ, मेरे पति को श्राप से मुक्त कर दीजिए। नहीं, यदि सूर्योदय होने से पहले मेरे पति जीवित नहीं रहे तो मैं भी उन्हीं के साथ यही आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। उनको श्राप से मुक्त कर दीजिए, मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए, मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए, मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। जबान से निकला तीर और मुख से निकला शाप, यह वरदान कभी वापस नहीं लिया जा सकता। मैं मांडव्य ऋषि हूँ, जो बोल दिया वही होगा। इस शाप को कोई नहीं डाल सकता। सूर्योदय होते ही तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो क्या आप अपनी क्षण भर की पीड़ा के लिए मेरे पति के प्राणों को यमदूत के हवाले कर देंगे? अनजाने में हुई भूल के लिए प्राण दंड देंगे। अगर आपको प्राण ही लेने हैं तो मेरे ले लीजिए, मगर मेरे पति को शाप से मुक्त कर दीजिए, मेरे पति को शाप से मुक्त कर दीजिए। शाप देते ही मेरा संपूर्ण पुण्य और तपोबल नष्ट हो गया है। अब मैं अपना शाप वापस नहीं ले सकता। न्याय है एक निर्दोष के साथ ऐसा व्यवहार। कैसी विडंबना है। मांडव्य ऋषि ने मेरे जन्म का समय तो तय नहीं किया था, पर अब मेरी मृत्यु का समय तय कर दिया। अब हम दोनों का साथ केवल सूर्योदय तक का। नहीं स्वामी, इस ऋषि का शाप तो मुझे इस देह से मुक्त कर देगा, परंतु मेरी आत्मा सदा अशांत रहेगी। नहीं स्वामी नहीं, तुम्हें दुख और वैधव्य की पीड़ा में देखकर कभी शांति नहीं मिलेगी उसे, कभी शांति नहीं मिलेगी उसे। नहीं स्वामी नहीं, अब हमारे साथ केवल सूर्योदय तक का है, बस केवल सूर्योदय तक का। नहीं स्वामी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं सहायता मांगूंगी, निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि वो हमें शाप से मुक्ति दिलाए। मैं आती हूँ स्वामी, मैं भी आती हूँ स्वामी। किससे मिलना है? राजा से। राजा से? वो अभी भी शाम कर रहे हैं, किसी से नहीं मिल सकते। सूर्योदय के बाद आओ। सूर्योदय? स्मरण किया राजगुरु, नगर के एक मार्ग पर कोई सूली पर लटका हुआ है। हाँ, एक ढोंगी साधु है। नहीं राजगुरु, कोई ढोंगी शाप देने का साहस नहीं कर सकता। शाप? हाँ, उन्होंने मेरे पति को शाप दिया है। वो मांडव्य ऋषि है राजगुरु, और यदि उनका शाप सत्य हो गया तो सूर्योदय होते ही मैं विधवा हो जाऊंगी। यदि वो सत्य में मांडव्य ऋषि है तब तो बड़ा अनर्थ हो गया। दंड मिलते समय उन्हें अपना परिचय तो देना चाहिए था। मैं अभी जाकर राजन से। राजगुरु, मेरे पति का क्या होगा? तुम मुझसे क्या चाहती हो? आप राजगुरु हैं, महान तपस्वी हैं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि उनका दिया हुआ शाप निष्फल हो जाए। ये मांडव्य का शाप है देवी, उसे निष्फल करना मेरे वश में नहीं है। मैं विवश हूं देवी। हे दसों दिशाओं, हे गंधर्व अप्सराओं, हे देवताओं, मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरे पति की रक्षा कीजिए। यमराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कौशिक के प्राण लेने कब जाऊं? वही तो देख रहा हूं, प्रारब्ध अनुसार ना तो मांडव्य की मृत्यु अभी है, ना ही कौशिक की। तो क्या मांडव्य ऋषि का दिया शाप व्यर्थ हो जाएगा? नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। किस समस्या में उलझे हैं धर्मराज? ऋषि श्रेष्ठ मांडव ऋषि ने कौशिकी को तो शाप दे दिया, परंतु कौशिकी के पति की मृत्यु अभी दूर है। मैं सोच रहा था। सोचिए मत धर्मराज, सोचिए मत। वैसे भी इन शाप अभिशापों से बचकर रहना चाहिए। अब शाप के अनुसार आज सूर्योदय से पूर्व आपको कौशिक के प्राण हरण कर लेने चाहिए। परंतु ये तो विधाता के विधान में हस्तक्षेप होगा देवर्षि। नारायण नारायण। और यदि आपने शाप का अनादर किया तो एक ऋषि के शाप के विफल हो जाने का तात्पर्य है उनके वचन का मिथ्या हो जाना। और धर्मराज, यदि एक महात्मा, एक ऋषि का वचन मिथ्या हो गया तो तब कौन करेगा यज्ञ? कौन करेगा? और यज्ञ नहीं होने का अर्थ है भगवान की पूजा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी। क्या आप ये चाहते हैं? नहीं देवर्षि, कदापि नहीं। तो बस बस, आप मांडव्य ऋषि के शाप का आदर कीजिए। नारायण नारायण नारायण। छोड़ के मैं थक गई हूँ माँ। किसी को मेरे मन की पीड़ा समझ नहीं आती, कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। मैं निराश हो गई हूँ माँ, मैं निराश हो गई हूँ। तेरे होते हुए क्या ये अनर्थ हो सकता है माँ? एक निर्दोष को शाप। माँ, अब तक मुझे अपने पतिव्रता धर्म पर अभिमान था, अपने सतीत्व पर गर्व था मुझे, परंतु अब मैं ये समझ गई हूँ कि मैं केवल एक नारी हूँ, सिर्फ एक अबला नारी। सहायता कोई नहीं करता कौशिकी, तुम इतना निराश हो जाओगी इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस पर तुमने हताश होकर अपने आप को निर्बल समझ लिया। नारी शक्ति है कौशिकी, अबला नहीं, और तुम तो सती हो। इसी बात का तो खेद है माँ, मेरी सतीत्वता का क्या लाभ है? लाभ है मेरे पतिव्रता धर्म का? क्या लाभ है मेरे तप का, मेरी पूजा का? अगर मैं अपने पति की सहायता नहीं कर सकती माँ, तो मेरा ये जीवन व्यर्थ है। कोई भी जीवन व्यर्थ नहीं होता पुत्री। सृष्टि रचना करते समय ब्रह्मा जी प्रत्येक जीवन का उपयोग सोच कर ही देह में प्राण फूंकते हैं। तुमने ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए जीवन का इतना सदुपयोग किया है कि तुम यथार्थ रूप में शक्ति बन गई हो। अतः निराशा छोड़ो और अपने सतीत्व की शक्ति को पहचानो और उस शक्ति का प्रयोग करो। तुम जो चाहोगी वही होगा। यदि मैं चाहूं कि सूर्योदय ना हो तो सूर्योदय नहीं होगा। और यदि मेरे में सतीत्वता है तो अब सूर्योदय